किसी भी स्कूल से, किसी भी टीचर से, किसी भी गार्जियन के गाइडेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का सेल्फ स्टडी। स्कूलों का काम होता है बच्चों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और संस्कार के रूप से, ये तीनों रूप से बच्चों को तैयार करना। केवल ये एकेडमिक एक्सेलेंस का इंस्टीट्यूशन स्कूल नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, मैं कोई उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट बाय द वेरी डिज़ाइन वो इस तरह की संस्थाएं होती हैं जहां हम लोग विड्थ की बात नहीं करते हैं, जहां हम उनको डेप्थ की बात करनी चाहिए। तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा बच्चा क्लास फोर में है, तो हम क्या करेंगे उसके साथ 45 मिनट बैठते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत धारणा है। आपका बैठना ही जो है वो अपने आप में जो है सो इस बात को पुख्ता कर देगा कि वो बच्चा जो है सो इम्प्रूव करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन, तो किन बातों का रखें ध्यान और आपको अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम आपके बीच दरभंगा जिला के चर्चित स्कूल दरभंगा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विशाल गौरव को आपके बीच में लाए हैं और सारी बातों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कई सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सारे सवाल का जवाब हम उनके ही जवान सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गौरव और मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, फाउंडेशन एकेडमी, इन स्कूलों के संचालन टीम से हूं और मैं आ रहा हूं दरभंगा लाइव न्यूज़ पर आपसे बातें करने, आपसे मुखातिब होने। और जो आपके जहन में बहुत सारी बातें होती हैं अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर के, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, और जिनका जवाब आप नहीं ढूंढ पाते हैं, आपको नहीं मिल पाता है, इस तरह के तमाम सवाल जवाब होंगे उस इंटरव्यू में। और मुझे यकीन है कि मैं आपके मन की कई अबूझ पहेलियों का हल निकाल पाऊंगा। स्कूल में मुझे जो दो चीज़ें बहुत साफ नज़र आती हैं प्री कोविड और पोस्ट कोविड, एक तो जो बच्चों का अटेंशन स्पैन जिसको हम लोग कहते हैं वो बहुत कम हो गया है। यानी कि अगर आप 15-20 साल पहले चले जाइए, और इनफैक्ट 4 साल पहले भी आप चले जाइए, तो जितनी देर तक बच्चे अटेंटिव हो के किसी की भी बात सुन पाते थे, भले वो टीचर हों, चाहे वो उनके अभिभावक हों, चाहे समाज में कोई और व्यक्ति हों जिनसे वो मान लीजिए रूबरू हो रहे हैं, तो वो स्पैन बहुत कम हो गया। यानी हम लोग अक्सर देखते हैं कि 40 मिनट्स की क्लास में बच्चों को इंगेज करके रखना, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स, क्योंकि उसका जो स्पैन होता है अटेंशन का, यानी जितने देर तक वो ध्यान दे पाता है शिक्षक की बात पर, वो बहुत कम हो गया है। तो एक तो ये बहुत बड़ा चेंज है पोस्ट कोविड। दूसरा, बिकॉज कोविड ने मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन को उस 2 सालों के लिए एक मजबूरी बना दी, क्योंकि एजुकेशन हैड टू कंटिन्यू, इट हैड टू कंटिन्यू थ्रू मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स या सिमिलर गैजेट्स। तो पेरेंट्स ना चाहते हुए भी या स्कूल ना चाहते हुए भी बच्चों के एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए वो डिपेंडेंट हो गए मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन पे। अनफॉर्चुनेटली कोविड ख़त्म होने के बाद भी जो मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन के प्रति जो एफिनिटी थी बच्चों की, या जो उनका एडिक्शन था, इफ़ आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये कंटिन्यू कर गया। यानी 2022 के बाद भी अगर आप एवरेज स्क्रीन टाइम को कंपेयर करें प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो बच्चों का है, तो इसमें सिग्निफिकेंट जंप है। और इट इज़ अ नोन फैक्ट, ये जानी हुई बात है कि बच्चों का जो टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान होता है और उनकी जो नॉलेज होती है वो उनके पेरेंट्स के जनरेशन से बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स ये सोच करके मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन उनको देते हैं कि बच्चा एजुकेशन को कंटिन्यू करे, लेकिन वो एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोज हो रहा है मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट्स, मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम सोशल मीडिया टू पोर्नोग्राफी, इसमें एक्सपोज हो रहा है बच्चा, विच इज़ नॉट एट ऑल अ हेल्दी ट्रेंड जो चीज़ है। तो ये दो एक बहुत बड़े मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड चैलेंजेस हैं, जो कि स्कूलों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए और पेरेंट्स के लिए, तीनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। सिंपल शब्द में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, स्किल क्या है? कोई भी स्किल, स्किल है बेसिकली हुनर। उसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी होना, वो एक स्किल है। तो
तो बेसिक लेवल पर देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चार स्किल्स की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी करती है या मल्टीपल जो रिसर्च है वो कहते हैं कि ये चार स्किल्स होने चाहिए, उनकी बात करते हैं पहले। देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, हम और आप जो करना हो क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। दूसरी है क्रिएटिविटी, यानी नया सोचने की आपके अंदर एक कौशल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो आपकी जिंदगी की चुनौतियां हैं वो हर एक साल बदल रही है, हर एक महीने बदलती चली जा रही है। कोविड है, नई तरह की प्रॉब्लम आ गई, क्रिएटिव आप नहीं रहेंगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री से कुछ आप सीख करके वहां पर इजाद नहीं कर सकते हैं या उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो क्रिएटिविटी इज ए स्किल। कोलैबोरेशन इज ए स्किल। कोलैबोरेशन का मतलब कि हम टैलेंटेड हैं, आप भी टैलेंटेड हैं, लेकिन हम दोनों मिल करके सिनर्जी के साथ क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दो जोड़ दो बराबर चार नहीं होकर पांच हो जाए, ये कोलैबोरेशन है। क्रिटिकल थिंकिंग, हम लोग इतने सारे अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्डेड हैं, एक्सपोज्ड हैं, किस चीज को यकीन करना है, किस चीज को यकीन नहीं करना है, कहां तक किसको यकीन करना है और किस चीज को लेना है और किस चीज को छोड़ते चले जाना है, ये भी अपने आप में एक स्किल है। तो ऐसा हम लोग जिस स्किल को ऐसा बना देते हैं कि ये स्किल्स जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है। स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि वो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है, वो सिखाता है आपको कोलैबोरेट कैसे करें। पढ़ाई नहीं सिखा सकती है कोलैबोरेशन, क्योंकि पढ़ाई इंडिविजुअल एक्सरसाइज है। मैं अलग मैथ्स पढ़ूंगा, आप अलग मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ फुटबॉल टीम में हैं तो हम दोनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्किल्स, जब ये जरूरी नहीं होता है कि स्किल पाठ्यक्रम का हिस्सा बने तभी बच्चा स्किल सीखेगा, आप उसको एक माहौल दे करके भी स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं। परिवार के अंदर ही किया जा सकता है, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उसमें हो सकता है। तो इसके लिए हाँ, ये अच्छी बात है जो नई एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं कि इसको आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन चीज़ों को सिखाएंगे। बट वी हैव बीन लर्निंग स्किल्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब जब से स्कूलों की शुरुआत हुई है, इनफॉर्मल तरीके से स्किल हमेशा से सिखाया जाता रहा है और बच्चे सीखते रहे हैं। बहुत तेजी से बेहतर होते हुए देखते हैं या बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव करते देखते हैं, उसमें डेफिनेटली उनके गार्जियंस का भी रोल होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। आमतौर पे जो भी गार्जियंस कम से कम आधे घंटे का समय निकालते हैं अपने बच्चे के लिए, उनके बच्चे जो हैं वो धीरे 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 पढ़ाई को या अपने जो स्कूल के एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ग्रेजुअली ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। तो एक तो मेरी जो गुजारिश होगी पेरेंट्स से वो ये होगी कि आप अगर अपने बच्चों में डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपका वो तो आपका चॉइस है आप कौन से स्कूल में भेज रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू गिव मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टू योर चाइल्ड एवरी डे, वन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब अगर मम्मी या पापा में से किसी एक को तो टाइम देना ही है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार मेरे पास खासतौर पर मदर्स जो हैं वो आती हैं और कहती हैं कि सर हम तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा बच्चा क्लास 4 में है तो हम क्या करेंगे उसके साथ 45 मिनट बैठते। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत धारणा है। आपका बैठना ही जो है वो अपने आप में जो है सो इस बात को पुख्ता कर देगा कि वो बच्चा जो है सो इम्प्रूव करना शुरू करेगा। इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपको कितना मैथ्स आता है, आपको कितनी इंग्लिश आती है। आपका बैठना जो है उस पूरे एक्टिविटी को एक इम्पोर्टेंस दे देता है बच्चे की लाइफ में। कैसे? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरी मम्मी अपना सारा काम छोड़ करके एक घंटे मेरे साथ बैठ रही हैं केवल इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, तो हो ना हो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। क्योंकि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का बच्चा इस बात को नहीं समझता है, ये क्लास 6 का है, क्लास 9 का भी बच्चा, कि ये पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में एम्प्लॉयबिलिटी दे सकती है या ये मुझे किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला करवा सकती है या मुझे आगे जा करके मैं कामयाब इंसान बन सकता हूँ। उसके लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है क्लास 3, 4, 5 में, लेकिन उसके लिए इस बात का महत्व होता है कि मैं जो ये छोटा सा काम कर रहा हूँ इसको मेरी मम्मी किस तरीके से देखती है, इसको मेरे पापा कितनी तवज्जो देते हैं। देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी है कि जो भी बाद में आएगा वो पहले वाले से बेहतर होगा। हमारा जो जनरेशन है वो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन से ज़्यादा इवॉल्व जनरेशन है बायोलॉजिकली, तो उसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है तो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करेगा। जो हमारे बच्चे हैं उनका ब्रेन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बाय एंड लार्ज मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ।
तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना तेज है। एक्चुअली बाई एंड लार्ज सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से तेज हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात है। वो उसका ज़्यादा इंटेलिजेंस नेचुरल है, वो लाजमी है, इसमें कोई विलक्षण बात है ही नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कम ब्रेन वाला एक ज़्यादा ब्रेन वाले को हैंडल कैसे करेगा। हम लोग हैं कम ब्रेन वाले क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, 100%, 100%, 100%। तो उसको हैंडल करने के लिए हमको क्या तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि जब कोई इंटेलिजेंट जनरेशन आपके सामने है जो कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो समझता है बहुत जल्दी बातों को। बट एट द सेम टाइम जो बातों को बहुत जल्दी समझता है उसको मेहनत कम करनी पड़ती है उतनी ही चीज़ों को करने के लिए। और आमतौर पे इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों को हार्डवर्क से पीछे खींचता है, क्योंकि बाई जेनेटिक्स देयर या बाई बायोलॉजिकल डिज़ाइन दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वो जल्दी कर पाते हैं चीज़ों को, इसीलिए उनको ज़्यादा वक्त नहीं बिताना पड़ता है उस चीज़ के साथ, इसीलिए वो धीरे 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 मेहनत की तरफ कम जाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कंफर्ट देने के लिए उनको कम मेहनती बना देते हैं, समझते नहीं है लेकिन हाँ, उनको प्राइवेट लाइफ दे करके। तो हमको ये देखना है कि हम उनको मेहनत से कभी जी नहीं चुराने दें, उनके लिए थोड़ी सी चीज़ों। आप सोचिए ना कि आज से कई शताब्दी पहले राजा जो होते थे, जिनके पास हर तरह का की संपत्ति होती थी, हर तरह का धन होता था, अपने बच्चों को गुरुकुल क्यों भेजते थे? बिकॉज शिक्षा जो है वो हमेशा टफ होनी चाहिए, सो दैट इट प्रिपेयर्स यू फॉर द लाइफ विच कैन बी टफ इन द फ्यूचर। मैं इसमें बिल्कुल क्लियरली कहूँगा कि अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, चाहे वो किसी स्कूल के हों, चाहे वो किसी शहर के हों। बच्चों को क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और टीचर की ये पहली जिम्मेदारी है कि बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनको वो उनके सेटिस्फैक्शन और उनके लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सके। मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने स्कूल में टीचर्स का फीडबैक लेते हैं, और वो स्टूडेंट्स के माध्यम से होता है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर का आकलन करते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट का आकलन करते हैं एग्जामिनेशन के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से, वैसे ही टीचर्स फीडबैक फॉर्म भी होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स टीचर के बारे में भरते हैं, और 7 क्वेश्चन ही पूछते हैं हम उसमें बच्चों से। उसमें एक क्वेश्चन ये है जो आपने कहा है, उसमें एक क्वेश्चन क्लियरली हम लोग लिखते हैं कि क्या जो आपके ये शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, क्या आपको प्रश्न पूछने अलाउ करती हैं प्रश्न पूछना, और क्या आपके सेटिस्फैक्शन के अनुरूप उसका जवाब दे पाते हैं या दे पाती हैं। तो ये इट इज़ वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ बीइंग अ गुड टीचर। इसमें मैं जो अप्रोच होता है किसी भी टीचर का, जैसे मान के हम लोग चलते हैं कि 15-70-15 का कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं किसी भी क्लास में एवरेज, कि 15% बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यानी जो एक एवरेज लेवल है उससे काफ़ी ऊपर होते हैं क्लास में। 70% जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मीडियम होते हैं, और जो 15% होते हैं वो दे नीड इम्प्रूवमेंट, यानी उनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उनको उंगली पकड़ के टीचर को शायद उनको थोड़ा सा लेकर के आगे चलना पड़ेगा। तो टीचर को हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आप बेसिकली जो आप पढ़ाते हैं जब आप क्लास में पहली बार उस चैप्टर को कवर करते हैं, तो योर टारगेट शुड बी 70%। जो मिडिल के 70% बच्चे हैं उनको टारगेट लेके चलिए, ना लेवल को बहुत ऊपर करिए ना लेवल को बहुत नीचे करिए, ताकि वो, क्योंकि सीधा टॉप 15% को पढ़ाने लगेंगे तो नीचे वाले तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल। और उसके बाद हर एक चैप्टर में आपको ये स्कोप छोड़ना चाहिए अपने पढ़ाने के लिए, जिसमें कि आप उस दोनों जो 15% आउटलायर्स हैं बच्चे, चाहे वो बहुत ब्रिलियंट हैं चाहे वो पीछे रह रहे हैं, उनके लिए स्कोप छोड़ना चाहिए आपको। यानी एक आध क्वेश्चन ऐसा आप पूछिए क्लास में जो उसको भी ट्रिगर करे जो बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि अदरवाइज उसको किक नहीं मिलेगा क्लास में, कि मुझे उसको लगेगा जो ये सब क्या मुझे टीचर पढ़ा रहे हैं। और ऐसा भी आप क्वेश्चन पूछिए और जानबूझ के उनसे पूछिए जो कि थोड़े से पीछे हैं बच्चे, कि वो बहुत ईजी हो, ताकि वो उसको आंसर कर पाए, उसको कॉन्फिडेंस मिले, शाबाशी दीजिए उसको, ताकि धीरे 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 आपको हैंड होल्ड करके उसको 15 को आपको 70 वाले ब्रैकेट में लेके आना है। मतलब ये कि उस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है और उस पर होना भी चाहिए। बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, टीचर को भी, पेरेंट्स को भी। और एक जो चीज़ मैं मिसिंग देखता हूँ आमतौर पे, जिसकी वजह से बच्चे पीछे छूटते चले जाते हैं, कि उनका सेल्फ स्टडी आवर्स बहुत कम होता है। ठीक है,
हालांकि मैं स्कूल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं जो भी मुझे देख रहे हैं लोग, मैं बहुत क्लियरली अपना स्टेटमेंट देता हूँ और इसमें मुझे कोई इसको जरा भी बिना बिना किसी मिश्रण की मिलावट की स्टेटमेंट है कि किसी भी स्कूल से, किसी भी टीचर से, किसी भी गार्जियन के गाइडेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी मिसिंग है तो आप उसको लाख बेहतर स्कूल में डाल दें, आप उसको लाख बेहतर टीचर के गाइडेंस में डाल दें, आप लाख उस पर जो है उसको ध्यान दे दें, उसके वर्किंग आवर्स बना दें या स्टडिंग आवर्स बना दें, बट अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है उसका या जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है बच्चे के सक्सेस का, वो उसका सेल्फ स्टडी ही होगा। देखिए मेरा इसमें बहुत क्लियर मानना है कि स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग हैं। हालांकि दोनों ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, स्कूल अपने आप में इंस्टीट्यूशन ऐसा एक माना गया है या माना जाता रहा है जिसको केवल एकेडमिक एक्सेलेंस की बात नहीं करनी है। स्कूलों का काम होता है बच्चों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और संस्कार के रूप से, ये तीनों रूप से बच्चों को तैयार करना। केवल ये एकेडमिक एक्सेलेंस का इंस्टीट्यूशन स्कूल नहीं होता है। इसीलिए स्कूल में हमेशा आप देखिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, सर्वांगीण विकास की बात होती है, स्कूल में उसके कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होनी चाहिए, स्कूल में बात होनी चाहिए कि कैसे ये बच्चे जो हैं वो अगली पीढ़ी में इस पूरे समाज को, इस पूरे मुल्क को और दुनिया को और एक बेहतर जगह बना सकें। ये मेरे ख्याल से स्कूलों की जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। एकेडमिक्स इज अ पार्ट ऑफ द वेरियस ड्यूटीज विच ए स्कूल हैज टू परफॉर्म। यानी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है लेकिन पढ़ाई लिखाई ही जरूरी है ऐसा नहीं है, स्कूलों को लेकर के मेरा नजरिया बहुत साफ है। वेयर एज सो स्कूल इज अबाउट विड्थ। अगर आप देखिए कि मुझे ये भी करना है, मेरी ये भी जिम्मेदारी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वेयर एज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, मैं कोई उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट बाय द वेरी डिजाइन वो इस तरह की संस्थाएं होती हैं जहाँ हम लोग विड्थ की बात नहीं करते हैं, जहाँ हम लोगों को डेप्थ की बात करनी चाहिए। यानी एक जो उनका एकेडमिक रिजल्ट है उसके प्रति केवल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वो कैसे, मान लीजिए कोई बच्चा 70% वाला है, वो 80% पे जाए, 80 वाला 90 पे जाए, और अब तो 90% भी समाज में कम माना जाने लगा है, तो उसको कैसे वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप कंपीट कराते हैं। सो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बाय डिजाइन आर सपोज टू बी वेरी वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ की उनका आकलन केवल इस बात पर पेरेंट्स की नज़रों में होगा कि मेरे बच्चे का जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, और वो बड़ा ही ट्रांजैक्शनल इन नेचर होता है कि एक साल बच्चे ने पढ़ाई की, मैंने इतना फीस दिया और मुझे किस तरह का रिजल्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने ला के दिया, मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग में किस तरह के कॉलेज में एडमिशन पाई है, मेडिकल में उसका हुआ कि नहीं। सो कोचिंग इंस्टीट्यूशन बाय डिजाइन इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। स्कूल जो है इट इज़ नॉट एज ट्रांजैक्शनल एज द कोचिंग इंस्टीट्यूशन। स्कूल का जो रिजल्ट है वो आपको इमीडिएटली कई बार दिखेगा भी नहीं। देखिए मैंने एजुकेशन पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो नई आई है, पहले वाली जो थी उसको भी पढ़ा हुआ था। इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्राफ्ट, अगर आप उसके बारे में बात करें तो ब्रिलियंट लिखा हुआ है एजुकेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कुछ रेडिकल चीज़ें भी हैं और बहुत ही, खैर बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स ने मिलकर के इसको लिखा है, तो ये नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छी तरह से इसको ड्राफ्ट किया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा उसका, जैसे कि एक लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जो है वो कह रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की फोकस अधिक होगा, दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कह रहे हैं, तीसरा ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस है जो कि CBSE स्कूलों में इम्प्लीमेंट भी हो गया, 50 घंटे मिनिमम ट्रेनिंग जो है इस टीचर्स की वो मैंडेटरी कर दी गई है। चौथा वो बात कर रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस होंगे कि आप सब्जेक्ट्स जो हैं उसके कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें। फॉर एग्जांपल कि अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चूज करते हैं, लेकिन आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो हैं एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी उठाता है, दूसरा बायोलॉजी उठाता है, और तीसरा शायद जो है वो अपने पसंद का और वो पसंद जो है वो
किसी दायरे के अंदर का जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि एक लड़का या एक लड़की है जिसको ज्योग्राफी पसंद है और उसको साथ साथ उसको केमिस्ट्री पसंद है, लेकिन इस दो सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन बनके हिंदुस्तान में नहीं आया।